वेलकम टू द चैनल आरबी फैंटेसी सेवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले अमेरिकन बास्केटबॉल लीग का जो मैच खेला जाने वाला है न्यू ऑर्लियंस वर्सेस सैन एंटोनियो के बीच में। दोनों टीम में कंपैरिजन करें तो पॉइंट टेबल पर 12th और 14th पोजीशन वाली टीमें। दोनों टीमों ने रिसेंटली 4 में से 2 मैच विन किए और दोनों मैच यहाँ पर लॉस होकर आ रहे। कंपेरेटिवली दोनों टीम के बीच में इस सीजन में 3 हेड-टू-हेड मैच हुए और तीनों मैच न्यू ऑर्लियंस ने विन किए। और आज का मैच न्यू ऑर्लियंस अपने होम में खेलने वाली है और उसी के साथ साथ सैन एंटोनियो जो है तो अपने मेन विदाउट यहाँ पर मेन प्लेयर के साथ खेल रहे। तो आज के मैचेस में जो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल टीम है वो है यहाँ पर न्यू ऑर्लियंस। न्यू ऑर्लियंस आपको आज का मैच इसलिए विन करते हुए देखने को मिल सकती है। बाकी जो फाइनल टीम और फाइनल अपडेट रहेंगी वो रहेंगी फाइनल लाइनअप आने के बाद टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोनों लिंक अगर वर्क नहीं करती तो टेलीग्राम पर सर्च करना @RBFantasy7, सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से। लेकिन चैनल पे नए हो तो उससे पहले यहाँ पर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बात करेंगे दोनों टीम की तरफ से प्रोबेबल स्टार्टर प्लस इंजरी अपडेट। सबसे पहले न्यू ऑर्लियंस पोलिकंस की तरफ से कोई चेंजेस नहीं। रेगुलर स्टार्टिंग लाइनअप आपको देखने को मिलेंगी। सीजे मैकलम स्टार्ट करेंगे शूटिंग गार्ड से, पॉइंट गार्ड पोजिशन से स्टार्ट करते देखने को मिलेंगे आपको ब्रेंडन इनग्राम। और उसी के साथ साथ हर्बर्ट जॉन से आप स्टार्ट करेंगे स्मॉल फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड सेक्शन से आप स्टार्ट करेंगे ट्रे मुर्फी और सेंटर पोजिशन से स्टार्ट करेंगे वेलेंसियास। ये इस टीम की स्टार्टिंग लाइनअप है। टीम में स्टार प्लेयर और इंपॉर्टेंट प्लेयर की अगर यहाँ पर बात करें तो ब्रेंडन इनग्राम मोस्टली यहाँ पर गेम को चलाएंगे। पॉइंट असिस्ट और रिबाउंड तीनों सेक्शन से इनकी तरफ से परफॉर्मेंस आएगा, बेस्ट चॉइस रहेंगी एसपी के लिए। बाकी यहाँ पर सेकंड इंपॉर्टेंट प्लेयर है सीजे मैकलम। इस टीम के अगेंस्ट यहाँ पर इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। रिसेंटली हेड-टू-हेड मैचेस अगर आप यहाँ पर उठा लेंगे शूटिंग से उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया है। बेस्ट पीपी चॉइस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सीजे मैकलम और थोड़ी सी रिस्की पीपी चॉइस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे वेलेंसियास। तो ये इस टीम के यहाँ पर 3 बड़े प्लेयर है जो कि यहाँ पर आज के मैचेस में क्रेडिट इशू होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप इनको इजीली अपने टीम में पिक करवा सकते हो। तीनों इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। बाकी यहाँ पर हर्बर्ट जॉन्स और मुर्फी, इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो मुर्फी 3-पॉइंटर शूटर है। अगर इनके 3-पॉइंटिंग शूटिंग अगर कनेक्ट हो गए तो काफ़ी सारे पॉइंट देंगे। और उसी के साथ साथ हर्बर्ट जॉन्स एक डिफेंसिव प्लेयर है, ये स्टिल से आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट कुछ मैचेस में देते हुए देखने को मिलेंगे। बाकी थोड़ा सा कन्फ्यूजन इन दोनों प्लेयर के बीच में, 50-50% यहाँ पर कॉल है। कभी यहाँ पर मुर्फी परफॉर्मेंस देते कभी परफॉर्मेंस देते। हर्बर्ट जॉन्स लास्ट मैच इसका प्लेयर परफॉर्मेंस अगर यहाँ पर देखेंगे तो दोनों का यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन ज़्यादा शॉट्स अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो मुर्फी के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर 13 इन्होंने फील्ड गोल से शॉट्स अटेम्प्ट किए थे जिसमें से 10 इनके यहाँ पर 3-पॉइंटर थे। तो 3-पॉइंटिंग शूटिंग इनके यहाँ पर बेस्ट रहती है और वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल रहते हैं। और जो बेस्ट प्लेयर है इस टीम की तरफ से जो तीनों प्लेयर स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे वो तो रहेंगे एक ब्रेंडन इनग्राम, पॉइंट रिबाउंड और असिस्ट सेक्शन से परफॉर्मेंस आया, ब्लॉक और स्टील के चलते सीजे मैकलम ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस बैलेंसेस अगर यहाँ पर देखेंगे तो टाइम कम खेले थे इन दोनों के कंपैरिजन में, लेकिन परफॉर्मेंस लेवल कुछ भी यहाँ पर डाउन नहीं हुआ है। कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस इनकी तरफ से आ रहा है। डिफरेंशियल पिक मिलेंगे आपको आज के मैचेस में, आप इनको वाइस कैप्टन बनाकर चले जा सकते हो और पीपी बना सकते हो। रिस्की पिक है लेकिन यहाँ पर ट्राई जरूर कर लेना क्योंकि अपोनेंट टीम काफ़ी ज़्यादा वीक है। अगर वो ज़्यादा शॉट्स मिस करते हैं तो प्रोबेबली आपको यहाँ पर बैलेंसेस काफ़ी अच्छे रिबाउंड कलेक्ट कर दे सकते हैं जहाँ पर आपको काफ़ी सारे रिमूवल पॉइंट यहाँ पर देंगे। ये भी इस टीम की तरफ से स्टार्टिंग लाइनअप प्लस यहाँ पर इस टीम की तरफ से अगर बैंच स्ट्रेंथ की बात करूँ तो रेगुलरली जो 3 प्लेयर है वो सबसे ज़्यादा टाइम अपने टीम की तरफ से बैंच से खेल कर चले जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर रिचर्डसन, मार्शल और लॉरी लॉन्स जूनियर। ये तीनों प्लेयर है जो रेगुलरली अपने टीम के लिए काफ़ी सारा टाइम खेलते हैं और ये प्लेयर रहेंगे आपके लिए ग्रैंड लीग पिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैच वन साइडली होने की भी पॉसिबिलिटीज रहेंगी। तो हो सकता है न्यू ऑर्लियंस पोलिकंस अपने बैंच प्लेयर को यहाँ पर चांस दे, जैसे कि यहाँ पर वैलेंसियास की जगह पर लॉरी लॉन्स जूनियर को भी ज़्यादा टाइम आज के मैचेस में आप में भी खेलते हुए देखने को मिल सकता है अगर मैच स्टार्टिंग में काफ़ी सारा वन साइडली हो गया। तो ये कुछ प्लेयर रहेंगे जो आपको काफ़ी सारे पॉइंट देते हुए देखने को मिलेंगे और टाइम भी इनको अच्छा मिलेगा। स्पेशली यहाँ पर ध्यान रखना नांस मार्शल पर, ये पॉइंट और रिबाउंड दोनों सेक्शन से परफॉर्मेंस देंगे। रिचर्डसन का परफॉर्मेंस इतना अच्छा आया नहीं लेकिन हो सकता है आज के मैचेस में इनको चांस दिया जाएगा तो हो सकता है इनकी तरफ से परफॉर्मेंस अच्छा आएगा क्योंकि अपोनेंट टीम जो है तो थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस टीम है और उसी के साथ साथ यहाँ पर बैच स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे सैन एंटोनियो। इनकी जो लास्ट मैचेस की स्टार्टिंग लाइनअप थी वो रेगुलरली यहाँ पर चेंज होती है और आज के मैचेस में काफ़ी सारे इन्होंने यहाँ पर चेंजेस किए जो इनके यहाँ पर मेन प्लेयर थे, जैसे कि यहाँ पर लास्ट मैचेस में जो परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं कंटिन्यूसली इनके लिए वेसल, उसी के साथ साथ यहाँ पर केल्डन जॉनसन जूनियर और सोचन भी आज का मैच यहाँ पर खेल नहीं रहे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर कोलिन जो कि यहाँ पर चारों टॉप प्लेयर है, इनके पाँचों प्लेयर टॉप प्लेयर है, वो यहाँ पर आज का मैच खेल नहीं रहे। टोटली यहाँ पर अपने बैच स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर ये टीम खेल रहे। तो इस टीम के साथ इस टीम में यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस भी है और थोड़े से लिमिटेड यहाँ पर प्लेयर अवेलेबल है तो वो प्लेयर काफ़ी सारा टाइम आपको खेलते देखने को मिलेंगे, जैसे कि
ग्राम है। फिलहाल अभी जब यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, गेम टाइम डिसीजन है, लेकिन ये प्लेयर खेलता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर गेम को चलेंगे, बॉल हैंडलिंग का काम संभालेंगे, तो वहाँ पर आपको से काफ़ी सारे पॉइंट देते हुए देखने को मिलेंगे। मलिक ब्रह्मा यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर स्मॉल फॉरवर्ड सेक्शन से शूटिंग गार्ड पोजीशन से आपको स्टार्ट करते हुए देखने को मिलेंगे मैकडरमॉट। और ये दोनों प्लेयर ऐसे जो कि यहाँ पर शूटिंग में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे शॉट्स ये दोनों प्लेयर लेते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन प्लेयर के पास शूटिंग एबिलिटी है जो कि यहाँ पर शूटिंग से काफ़ी सारे पॉइंट अपने टीम के लिए देकर दे सकते हैं। अगर यहाँ पर कोलिन अनअवेलेबल है तो उनकी जगह पर यहाँ पर मुमकिलर्स की आपको स्टार्टिंग लाइनअप में देखने को मिलेंगे, और वो स्टार्ट करेंगे सेंटर पोजीशन से जहाँ पर आपको रिबाउंड कलेक्ट कर कुछ पॉइंट यहाँ पर ये दे सकते हैं। केन डियोफ स्टार्ट करेंगे फ्रंट कोर्ट पोजीशन से, ये इस टीम की स्टार्टिंग लाइनअप रहेंगी। इस टीम में अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर ग्रामा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ग्रैंडली केड हो तो यहाँ पर आप एस पी पी भी ट्राई कर लेना। उसके बाद मैकडरमॉट एक ऐसे प्लेयर है जो कि यहाँ पर थ्री पॉइंटिंग शूटर है, अगर वो इनके कनेक्ट होकर तो काफ़ी सारे पॉइंट देंगे, अदरवाइज यहाँ पर पॉइंट और उसके साथ साथ यहाँ पर ये रिबाउंड और ऐसे से थोड़े कमी पॉइंट देते हैं, लेकिन पॉइंट्स आपको काफ़ी सारे पॉइंट देते हुए देखने को मिल सकते हैं। ब्रह्मा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे क्योंकि यहाँ पर ये रिबाउंड और ऐसे भी आपको कलेक्ट कर दे सकते हैं, और शूटिंग में भी इनका यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी सारा अच्छा है। कंटिन्यूसली यहाँ पर अपने टीम के लिए एज यहाँ पर स्टार्टर काफ़ी सारे मैचेस यहाँ पर खेले और कंटिन्यूसली उन्होंने स्टार्ट जब जब किया है कंटिन्यूसली इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। तो जो फिलहाल मुझे इंपॉर्टेंट प्लेयर लग रहे हैं, एक तो यहाँ पर ग्रामा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ब्रह्मा को आप ट्राई कर सकते हो, मलर्स की अपॉर्चुनिटी इनके लिए भी रहेंगे क्योंकि यहाँ पर कोलिन खेल नहीं रहे और उसके साथ साथ यहाँ पर खेल नहीं रहे सोचन, तो यहाँ पर इनके तरफ से बेस्ट स्ट्रेंथ ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है ये प्लेयर आपको काफ़ी सारा टाइम खेलते देखने को मिल सकता है। अराउंड यहाँ पर 25+ मिनट यहाँ पर मैं इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैकडरमॉट भी 3-पॉइंटर शूटर है, ये चार जो सभी प्लेयर है वो मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट और अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर प्लेयर लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके पास जो है यहाँ पर ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है विदाउट यहाँ पर स्टार प्लेयर खेलने के, और ऐसे में यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर प्लेयर जो यहाँ पर स्टार्ट अच्छा करेंगे वो आपको काफ़ी सारे शॉट्स लेते हुए देखने को मिलेंगे, और जो स्टार्ट अच्छा नहीं करेंगे उनको यहाँ पर जल्दी सब्सिट्यूट कर दिया जा सकता है। और जो बैंस ने थे वहाँ पर ट्रे जॉनसन प्रोबेबल आज का मैच खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे अभी जब यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, गेम टाइम डिसीजन है। अगर यहाँ पर एक प्लेयर खेलता है तो अगेन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, बैंस से भी खेलेंगे तो आप इनको यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। ये वो इस टीम की तरफ से स्टार्टिंग लाइनअप। अगर इस टीम की तरफ से बैंस टेंथ की बात करें तो बेंच में इनके पास यहाँ पर ज़्यादा कुछ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड प्लेयर है जिनको यहाँ पर ये चांस दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ट्रे जॉनसन खेलते तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, लॉन्ग फॉरवर्ड थोड़ा सा ध्यान रखना, शो आप बैकअप गार्ड पोजीशन से खेलेंगे और परफॉर्मेंस इनकी तरफ से काफ़ी अच्छा आ सकता है। और जो प्लेयर रहेंगे यहाँ पर जॉर्ज डियांग जो कि यहाँ पर मोलिस्की के सब्स्टिट्यूशन पर आपको खेलते देखने को मिलेंगे, जॉर्ज डियांग कम टाइम में काफ़ी सारे पॉइंट देते हैं लेकिन यहाँ पर ज़्यादा टाइम इनको रेगुलरली मिलता नहीं है, चाहे यहाँ पर इनकी ज़रूरत हो या फिर ना हो ज़्यादा इनका यूज़ यहाँ पर किया जाता नहीं है, और वेस्ली थोड़े से डिफरेंशियल पिक आपके लिए रहेंगे। ये कुछ इस टीम की तरफ से जो मेन बेंच प्लेयर है जिन्हें आप यहाँ पर ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, बाकी स्मॉल लीग के लिए ज़्यादा कुछ रिकमेंडेड करूंगा नहीं। ट्रे जॉन्स को आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो और लॉन्गफोर्ड को यहाँ पर आप रिस्की यहाँ पर स्मॉल लीग पिक आपके लिए रहेंगी, अगर यहाँ पर ट्राई करना चाहते हो तो उनको ट्राई कर लेना। फिलहाल जो यहाँ पर मेरी डेमो रोमेलों टीम रहेंगी, सबसे पहले तो यहाँ पर सीजे मैकलम, उसी के साथ साथ यहाँ पर आज का मैच ग्रामा खेलते तो वो मेरे टीम में रहेंगे, ब्रैंडन इंग्राम डिफॉल्ट यहाँ पर एसपी चॉइस मुझे यहाँ पर आज के मैचेस के लिए लग रहे। उसके बाद यहाँ पर हर्बर्ट जॉन्स, केन डियोप, इन दोनों में से किसी को यहाँ पर मैं पिक करो लूँगा। फिलहाल सेंटर पोजीशन से आपके पास वैलेंसियस का ऑप्शन अवेलेबल है, पावर फॉरवर्ड सेक्शन से एक ही अच्छा प्लेयर अवेलेबल है वो है यहाँ पर मुर्फी और ब्रह्मा, दोनों अगर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर दोनों मेरे टीम में प्रोबेबली होंगे, और मुर्फी की जगह पर प्रोबेबली यहाँ पर मैं वैलेंसियस को अपने टीम में प्रिफरेबल कर लूँगा, मुर्फी या फिर हर्बर्ट जॉन्स, इन दोनों में से किसी एक को यहाँ पर आप पिक कर सकते हो, केन डियोप या फिर मैकडरमॉट, इन दोनों में से किसी एक को यहाँ पर आप पिक कर सकते हो। ये मेरी डेमो रोमेलों टीम थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली टीम है क्योंकि यहाँ पर सैन एंटोनियो जो थे यहाँ पर विदाउट स्टार प्लेयर खेल रहे, तो कोई भी प्लेयर अनप्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस देकर चला जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर फिलहाल जो डायरेक्शन है वो पता नहीं है कौन सा प्लेयर यहाँ पर अपनी टीम को लीड करेगा, जो अच्छा स्टार्ट करेगा वो अपनी टीम के लिए यहाँ पर लीड करेगा। ये मेरी डेमो रोमेलों टीम, अगर कैप्टन वाइस कैप्टनसी चॉइस की अगर यहाँ पर बात करूँ तो नो डाउट ब्रैंडन इंग्राम मेरे कैप्टन रहने वाले, वाइस कैप्टन के लिए यहाँ पर मैं मैकलम के साथ चले जाऊँगा क्योंकि इस टीम के अगेंस्ट इनके टूर मैचेस के रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे है, और आपके लिए थोड़े से डिफरेंशियल वाइस कैप्टनसी चॉइस रहेंगे वैलेंसिया, ग्रैंड लीग के लिए वाइस कैप्टनसी चॉइस रहेंगे ग्रामा, अगर ट्रे जॉन्स खेलते हैं और ट्रे जॉन्स स्टार्टिंग लाइनअप पर रहते तो ये मेरी टीम में यहाँ पर डिफॉल्ट पिक रहेंगे। फिलहाल गेम टाइम डिसीजन
अपने प्रोबेबली खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे अभी यहाँ पर फिलहाल कंफर्म नहीं है। जब यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा था तब यहाँ पर गेम टाइम डिसीजन था और यहाँ पर अपग्रेड टू अवेलेबल है, यानी आज का मैच यहाँ पर खेलने के चांसेस इनके काफ़ी ज़्यादा हायर साइड पर है। स्टार्ट करते तो मेरे टीम में रहेंगे, अगर वो यहाँ पर खेलते तो एज ए बेंच प्लेयर भी खेलते तो प्रोबेबली यहाँ पर केन ड्यूप की जगह पर मैं उन्हें अपने टीम में यहाँ पर पिक करवा लूँगा। तो ये यहाँ पर फाइनल चेंजेस रहेंगे, बाकी यहाँ पर ट्रेजोन्स आज का मैच खेलते हैं। ये मेरी डेमो टीम टीम रहेंगी, मोस्टली फाइनल भी हो सकती है अगर लाइनअप में कोई चेंजेस नहीं हुए तो। टीम सेव कर रखना, फाइनल टीम और फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। होप गाइज यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, इफ यू हैव देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।